Hello student, welcome back in another video of class 9th science. First chapter is going on. We start the first chapter, matter in our surrounding. Last video we discuss about the three kinds of state of matter, solid, liquid and gas. In this video we study about interchange in state of matter. So let we start our new topic, interchange in states of matter. In last video we discuss about the effect of temperature and the effect of pressure on the changing of the state of matter. यानी कि temperature को अगर increase करें decrease करें तो state of matter पर क्या होता है, ठीक है? तो वो सभी discuss किया था, एक normal introduction किया था. अब उसको briefly देखते हैं किस type से अगर अपने temperature को क्या इफेक्ट होता है, temperature का interchange in state of matter और क्या इफेक्ट होता है pressure का interchange in state of matter. So let we start the first point, interchange in state of matter, changing temperature. When we change the temperature, what is the effect is there? Okay, the first point is melting point. First point is melting point. What is melting point? The temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Simple si baat hai, kya cheez hai? The temperature at which a solid melts to form liquid, यानी कि वो temperature, एक temperature range जिसके ऊपर solid क्या हो रहा है, किस में convert हो जाता है, melt होकर किस में convert हो जाता है, liquid में convert हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, melting point. और वो atmospheric pressure का मतलब normal your surrounding pressure. Okay, the temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point. ठीक है, अब इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं. मेरे पास एक बीकर, मैंने इस बीकर में क्या किया, आइस ली, ठीक है, आई कैप्ड सम आइस पीस इन दिस बीकर. अब इसको बीकर को मैंने क्या स्टैंड पे रखा और बर्नर से इसको क्या दिया, हीट दी मैंने, ठीक है, और एक थर्मामीटर को इसके अंदर लगा दिया. अब मैं टेम्परेचर चेक करूँगा तो आइस का टेम्परेचर आप सबको पता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है. अब मैं धीरे धीरे इसको क्या कर रहा हूँ, बॉयल कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ इसको, ठीक है. तो जब आइस क्या होती है, हाफ मेल्ट हो जाती है, हाफ आइस मेल्ट हो जाएगी तो फिर से थर्मामीटर इसमें लगा के अपने टेम्परेचर चेक करेंगे तो टेम्परेचर क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस. तब भी कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, ठीक है. कब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जब तक आइस का लास्ट पीस मेल्ट नहीं हो जाता. लास्ट पीस मेल्ट होगा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब आइस का लास्ट पीस मेल्ट हो गया, मतलब सॉलिड क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. और किस टेम्परेचर पे हुआ, ठीक है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो मैंने अभी बोला 0 डिग्री यही होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट. ओके, वी रिवाइज, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी इतना अमाउंट अपने को हीट का चाहिए कि 1 kg जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है. Now second example, boiling point. What is boiling point? The temperature at which a liquid boils to form vapor, at atmospheric pressure called its boiling point. पहले आपने क्या किया था, melting point किया था, अब क्या कर रहे हैं, boiling point कर रहे हैं. अब boiling point के लिए एक activity करते हैं, same यही. अब इस beaker में मैंने ice की जगह क्या लूँगा, मैं water लेता हूँ, ठीक है. ice की जगह मैंने क्या लिया, वाटर लिया, लिक्विड फॉर्म लिया. अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, वाटर का कितना, ठीक है. अब धीरे धीरे क्या करूँगा, इसको फिर से गर्म करूँगा. गर्म करूँगा तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. अब जब मैं इसका चेक करूँगा, जब टेम्परेचर कितना आ जाए, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, वाटर से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इससे ज़्यादा बॉयल नहीं होगा वाटर, ठीक है. उसके बाद क्या बनने लग जाएगी, वेपर फॉर्मेशन होने लग जाएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाए,
वेपर में कन्वर्ट होने लग जाए, और कौन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, योर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आई बात समझ में, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, यानी कि वो हीट का अमाउंट जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट के अंदर चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क इन द एग्जामिनेशन। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी मूव ऑन सब्लिमेशन, वी मूव ऑन सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? ओके, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर। अब क्या हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा था मेल्टिंग पॉइंट में, पहले सॉलिड किस में चेंज हो रहा था, लिक्विड के अंदर, और बॉइलिंग में क्या हो रहा था, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर के अंदर। लेकिन सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वेपर, और वेपर डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, इसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है यहाँ पे, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, सीधा क्या हो रहा है, जो लिक्विड है, जो सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के अंदर, और वेपर को अगर अपने ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी करते। अब मेरे पास एक चाइना डिश है, इस चाइना डिश के अंदर मैं क्या करता हूँ, अमोनियम क्लोराइड लेता हूँ, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में लिया, और इसके ऊपर मैंने एक फनल रख दी, कीप जिसको बोलते हैं, फनल रख दी, और इस फनल के मुँह को मैंने किससे बंद कर दिया, कॉटन प्लग से बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, हीट दूंगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, NH4Cl किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ये वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैं इसको गर्म करना बंद कर दूंगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, सब्लिमेशन हो गया। अब मैं इसको गर्म करना बंद कर देता हूँ। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो दीवार है, ये जो वॉल है किसकी, जो फनल की, उसके ऊपर आप देखोगे तो ये जो वेपर है किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, वो होती है, वो जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी तो ये ड्रॉपलेट्स बनते जाएंगे सॉलिड के, और ये नीचे आ जाएगा, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वेपर बाहर ना निकल जाए, वापस अपने वेपर को किस में चेंज करना, सॉलिड के अंदर चेंज करना, तो वो इसीलिए मैंने इस पर प्लग लगा दिया, ताकि वेपर क्या हो, बाहर ना निकले फनल से। जैसे मैं ठंडा करूँगा तो ये क्या हुआ, वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड के अंदर। पहले सॉलिड को गर्म किया, हीटिंग की, तो हीटिंग करने से क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर के अंदर। अब मैंने उसको हीटिंग करना बंद कर दिया, उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, अपने घरों में यूज़ करते हैं कैम्फर, कपूर, पूजा के अंदर, घरों के अंदर थालियों में, पूजा के अंदर इसको यूज़ करते हैं कैम्फर। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलिन बॉल्स, नेफ्थलिन बॉल्स लेडीज़ यूज़ करती है घरों के अंदर, जो कपड़ों के अपने संभाल के रखते हैं उनके बीच के अंदर बॉल्स डालते हैं कुछ। ठीक है, वो नेफ्थलिन बॉल्स होती है, अगर कुछ टाइम के बाद आप देखो, 6-7 महीने के बाद देखोगे तो वो बॉल्स क्या होती है, तो बिल्कुल छोटी हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, मतलब वो वेपर बन के जा चुकी है। ठीक है, तो नेफ्थलिन बॉल्स, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्लिमेशन। नाउ यू मूव ऑन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। इफ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास सिलेंडर, आप देखते हो घरों के अंदर सिलेंडर यूज़ करते हैं, मेरे पास सिलेंडर। अब मैं इस सिलेंडर को क्या कर रहा हूँ, एक पिस्टन लगा हुआ, इसमें गैस भरी हुई है। अब मैं इस पिस्टन से इसको क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, इसको दबाए जा रहा हूँ। ठीक है, कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, कंप्रेस करते ही क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये किस में चेंज होने लग जाएगा, लिक्विड के अंदर चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा। अब मैं इसको और ज़्यादा कंप्रेस करूँगा, तो ये हो सकता है ये किस में चेंज हो जाएगा,
सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ गैस के ऊपर उसको कंप्रेस करने के लिए, तो जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करता जाऊँगा तो वो किस में चेंज हो जाता है, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, जो गैस थी वो किस में चेंज होगी लिक्विड के अंदर, और लिक्विड बाद में और कंप्रेस करता जाऊँ तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर अपने ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं, सिंपल ऑक्सीजन होती है गैस। अब इसको सिलेंडर के अंदर बनना, तो इसको कंप्रेस करके सिलेंडर्स के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। ठीक, आजकल तो बहुत चल रही है ये। ठीक है, कंप्रेस करके इसको सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं। अब जैसे सॉलिड है, अगर मैं लूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद ये बनती है। अब मैं जैसे जैसे इससे प्रेशर हटाता जाऊँगा, धीरे धीरे प्रेशर हटाऊँगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा, ये सीधा किस में चेंज हो जाएगा, वेपर के अंदर। ठीक है, तो मैंने जैसे ही प्रेशर हटाया, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी या ड्राई आइस थी वो किस में चेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर चेंज होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रेशर का चेंज, अगर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अपने गैसेस यूज़ करते हैं, जैसे एलपीजी घरों के अंदर यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सेकंड एग्जांपल सीएनजी, जो व्हीकल्स के अंदर यूज़ की जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी गैस को कंप्रेस करके अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, अब न्यू टॉपिक आता है इवेपोरेशन, ईवेपोरेशन। एक वेपोराइजेशन होता है, एक ईवेपोराइजेशन होता है। ईवेपोराइजेशन, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, लाइन बी नोटेड, एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड ईवेपोरेशन, यानी बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का चेंज होना किस में, वेपर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, ईवेपोरेशन। लेकिन यहाँ बॉइलिंग में क्या हो रहा था, एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थी, एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री के बाद वो वेपर बनना स्टार्ट होता है। लेकिन एक सरफेस फिनोमिना होता जिसके अंदर क्या होता है, ईवेपोरेशन होता है। जैसे जो हमारे सी वाटर है तो उसका क्या होता रहता है, ईवेपोरेशन होता रहता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर का ईवेपोरेशन होता रहता है। ठीक है, तो इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड ईवेपोरेशन। ठीक है, अब इसको अफेक्ट कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो करते हैं ईवेपोरेशन को, फैक्टर अफेक्टिंग ईवेपोरेशन, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ईवेपोरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, इफ़ द सरफेस एरिया इज़ मैक्सिमम देन ईवेपोरेशन इज़ ऑल्सो मैक्सिमम। एक एग्जांपल लो, मैंने एक गिलास के अंदर वाटर लिया, कप के अंदर, मान लो मैंने एक कप के अंदर वाटर लिया 100 ml, इसमें मैंने 100 ml वाटर लिया, और एक प्लेट के अंदर मैंने, यहाँ पे चाइना डिश के अंदर मैंने वाटर लिया 100 ml। अब इन दोनों को सीधा छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, खुले में छोड़ दिया। अब मैं एक या दो दिन के बाद चेक करूँगा तो वाटर लेवल सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ किसका हुआ, इस चाइना डिश का, क्योंकि सरफेस एरिया क्या था, इसका ज़्यादा था। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ईवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन कप के अंदर ईवेपोरेशन कम हुआ क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या था, थोड़ा कम था। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एक्सपोज सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ईवेपोरेशन होता रहेगा। सेकंड एग्जांपल टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ईवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ईवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक ग्लास के अंदर 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया, इस ग्लास को मैंने क्या किया, सिंपल छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, खुले के अंदर छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, और एक गिलास में और 100 ml वाटर लिया, इसको मैंने किस में रख दिया, फ्रीज में रख दिया। एक गिलास में 100 ml वाटर लिया जिसको मैंने क्या, फ्री रख दिया बिल्कुल एटमॉस्फेयर में, और एक को मैंने किस में रखा, फ्रीज के अंदर रख दिया। अब दो दिन के बाद मैं चेक करूँगा किसका वाटर लेवल कम हुआ, जो मैंने खुले में रखा था,
ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है, इसका वेपर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वेपर इवेपोरेशन होगा, वाटर क्या होगा वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, लेकिन फ्रीज के अंदर रखा है तो वहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम है, तो टेम्परेचर जितना कम होगा इवेपोरेशन भी क्या होगा उतना ही कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। ओके, सो ह्यूमिडिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन, और यू कैन ऑल्सो से दैट इवेपोरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, यानी ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप सिंपल लो, जैसे जो मई जून का जो मंथ होते हैं, मई जून के जो मंथ में आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और उतनी जल्दी ये सूख जाता है, ठीक है, कि हवा चलेगी तो उससे ये सूख जाता है, तो एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे ह्यूमिडिटी रेनी सीजन होगा, रेनी सीजन के अंदर क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आपको स्वेटिंग हो रही है, लेकिन वो स्वेटिंग सूख नहीं रही है, ड्राई नहीं हो रहा, आपकी बॉडी ड्राई नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर मई जून में था, वो भी ह्यूमिडिटी जो रेनी सीजन था उसमें भी क्या हो जाता है, उतना ही रहता है लगभग, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी स्वेटिंग जो हो रही है वो जल्दी से ड्राई नहीं होगी, आपकी बॉडी जल्दी से ड्राई नहीं होगी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मतलब इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है इवेपोरेशन कम हो रहा है, सो इवेपोरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर विंड, जितनी तेज़ हवा चलेगी इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, तो विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन, फर्स्ट इज एक्सपोज सरफेस एरिया, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज विंड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन हमेशा क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है, कैसे, द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। कैसे होता है, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, आपकी जो पाम है, अब इस पाम के ऊपर अगर मैं पेट्रोल रखूँगा थोड़ी देर बाद क्या होगा, पेट्रोल क्या करेगा, मेरी पाम से हीट ले लेगा, लेटेंट हीट लेगा, ठीक है, लेटेंट हीट लेगा, तो थोड़ी देर बाद मैं इसको ऐसा करूँगा तो मेरे को कैसा इफेक्ट होगा, मेरी पाम के अंदर कैसा इफेक्ट लगेगा, मेरे को कैसा फील होगा, कूल फील होगा, ठीक है, क्योंकि लो जो हीट थी वो किसने ले ली, पेट्रोल ने ले ली, और वो क्या हो गया, जैसे हीट ली वो क्या हो गया, वेपोराइज होने स्टार्ट हो गया, लेटेंट हीट अब मिल गया वेपोराइजेशन के थ्रू, उसमें क्या हुआ, वो वेपोराइजेशन हो गया, वेपर में चेंज होने लग गया, तो उसने पीछे कौन सा इफेक्ट छोड़ दिया, कूलिंग इफेक्ट छोड़ दिया, ठीक है। ये एक्सरसाइज एक्टिविटी घर पे मत करना, ठीक है, ये डेंजर है, पेट्रोल का यूज़ मत करना। एसीटोन होता है, लैब के अंदर यूज़ करते हैं, एसीटोन को मैं अगर रखूँ तो एसीटोन भी क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा और कूलिंग इफेक्ट दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों आप कर नहीं सकते हो घर पे, पेट्रोल से भी मत करना, और एसीटोन तो वैसे ही लैब के अंदर मिलता है, घरों में होता नहीं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अपने घरों के अंदर जो फ्राई पैन होती है उसको यूज़ करते हैं। अब फ्राई पैन को मैं क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, ये फ्राई पैन लिया मैंने, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, गर्म किया मैंने, गर्म करने के बाद मैंने इसको हीट करना छोड़ दिया, अब मैं उसके अंदर वाटर डाल रहा हूँ, अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, वाटर डाला, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वाटर क्या बनने लगेगा, वेपर फॉर्मेशन होने लगेगी, पीछे कौन सा इफेक्ट छोड़ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट, काफ़ी टाइम के बाद अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। ओके, तो ये एग्जांपल्स थे, इन एग्जांपल और एक्टिविटी के थ्रू आप सारे ये पॉइंट्स आराम से समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो भी डिस्कस करेंगे केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, सो थैंक यू स्टूडेंट। एंड वन मोर थिंग, वीडियो जब भी स्टार्ट करो या जब भी देखो तो उसको पूरा देखा करो, ठीक है, तो आपके एक एक कंटेंट क्या होंगे क्लियरिफाई हो जाएंगे, जो भी आपका बुक्स एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ या जो रेफरेंस बुक्स के अंदर दिया हुआ, तो वो सभी कंटेंट क्या होते जाएंगे, क्लियरिफाई होते जाएंगे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके स्टूडेंट, बाय।